आज हमारे स्टूडियो में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का पदार्पण हुआ है। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं राजेश भाई से। राजेश भाई जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपसे हम कुछ जीके के क्वेश्चन जीव विज्ञान में पूछेंगे, आप उनका आंसर देंगे सही तरीके से। आप संतुष्ट हैं? आपका जो भी आंसर आप पूछेंगे हम अगर दे पाएंगे और कोशिश करेंगे कि आंसर दें। और तो ये तो है राजेश सिंह। राजेश सिंह, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप बताइएगा, पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है और जीव विज्ञान का भी पिता अरस्तु को कहा जाता है। बहुत अच्छा आदेश आंसर दिया राजेश सिंह ने। अब हम नीलिमा से पूछना चाहेंगे। नीलिमा जी बताइएगा, आप चिकित्सा शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का पिता हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया नीलिमा। अब हम क्वेश्चन इसके बाद आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है राजेश से फिर क्वेश्चन करेंगे। राजेश जी, क्या हम बताएं सर जी, अब जीजे मेंडल को शायद कहा जाता है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन हम भटनागर जी से करेंगे। भटनागर जी, हमें बताइएगा कि सूक्ष्म जैविकी का किसको पिता कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी का पिता किसको कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी का पिता लुई पाश्चर को कहा जाता है और इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्म जैविकी का विकास किया, इसीलिए इनको सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम पूछेंगे कि प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है और जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? नीलिमा जी आप बताइएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है और जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, दोनों करेक्ट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन राजेश जी से हम पूछेंगे। आपके आंसर सभी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। के एच जे मूलर को क्या किसकी पदवी दी जाती है? के एच जे मूलर जो थे वो एक विकिरण अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं और जी क्यूवियर भी है जो तुलात्मक रचना में आते हैं। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। आधुनिक आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है और जीरोंटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? दो क्वेश्चन हम नीलिमा से पूछना चाहेंगे। नीलिमा बेटा बताइएगा। सर, आनुवंशिकी के आधुनिक आनुवंशिकी के पिता वाटसन को कहा जाता है और जो जीरोंटोलॉजी है वो वाल्डमीर कोरेनचेविस्की को कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, इसका इसके लिए हम बहुत बहुत आपका तहे दिल से बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एंड्रियस विसेलियस को क्या किस उपनाम से जाना जाता है? उन्होंने किसकी मतलब किसका पिता उन्हें कहा जाता है ये आप बताइएगा। एंड्रियस विसेलियस जो हैं वो आधुनिकी शारीरिक के पिता हैं, जैसे रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे जी हैं और रुधिर वर्ग के लैंड स्टीनर जी हैं। बहुत अच्छा आंसर आपका, बहुत अच्छा आंसर है। आपका आंसर सुनकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो कुछ पढ़ाया गया वो आपको याद है। कैरोलिनियस ने दुनिया में वर्गीकी का खोज की थी और लियोनार्डो डी विंची ने जीवाश्म विज्ञान की। आधुनिक भ्रूणिकी के पिता किसे कहा जाता है बताइएगा नीलिमा। आधुनिक भ्रूणिकी के पिता जो है वो कार्ली वॉन वेयर को कहा जाता है और उत्परिवर्तनवाद हमें याद आ रहा है जहाँ तक, ये ह्यूगो डी विरिच को कहा जाता है। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। सुजनकी के पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोपी का पिता किसे कहा जाता है? माइक्रोस्कोपी का पिता तो एम मालपीनी को कहा जाता है। बहुत अच्छा आंसर आपका, कितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है जितनी प्रशंसा की जाए। थॉमस एडिसन ने खोज की थी एंडोक्राइनोलॉजी की। अब हम कुछ आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटे जंतु के बारे में। हम आपका चेक करना चाहते हैं कितना जी के पावर स्ट्रांग है। राजेश जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत होने से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब पता होगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे, सीधी सी बात है। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा। दुनिया में सबसे बड़ा जंतु कौन सा है और सबसे छोटा जंतु कौन सा है और सबसे बड़ा स्थली जंतु कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जंतु तो नीली व्हेल है और अमीबा जो है वो सबसे छोटा जंतु है संसार में।
और स्थल पर अगर बड़ा कहा जाए तो सबसे बड़ा स्थली जीव जो है वो अफ्रीकी हाथी है। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। व्हेल शार्क जिनका नाम सबसे बड़ी मछली बताई जाती है, आप बताइएगा सबसे छोटा स्तनधारी और सबसे छोटी मछली का नाम बताइएगा। नीलिमा जी बताइएगा। जी सर मैं बता रही हूँ, सबसे छोटा स्तन होता है छछुंदर और सबसे छोटी मछली जो होती है वो गोभी होती। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, आपकी प्रशंसा जितनी कम की जाए उतनी कम है, आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है जीके। हम बहुत खुश हुए हैं और हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है प्रक्रिया। आप बताइएगा राजेश जी कि सबसे बड़ा पक्षी दुनिया में कौन सा कहलाता है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। अरे अमिताभ बच्चन जी आ गए, अमिताभ बच्चन जी आप बताइएगा। और सबसे बड़ा छोटा पक्षी तो शुतुरमुर्ग ही होगा, और कोई कौन सा हो सकता है, शुतुरमुर्ग के अलावा कोई बड़ा पक्षी तो है नहीं, छोटा हमिंग बर्ड है। और सबसे बड़ा जो जंतु है वो आकोसरी वाला, वो तो दैत्याकार सिबिट सिकिड होगा। बहुत अच्छा अमिताभ बच्चन आपने आंसर दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, आप जैसी बड़ी हस्ती हमारे स्टूडियो में आए, हम तो कृतार्थ हो गए। अरे इसमें भाई कृतार्थ होने की क्या बात है, हमारा मन हुआ चले आ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप कीजिएगा। इसके बाद हमारे स्टूडियो में आए हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी आए हैं। नरेंद्र मोदी जी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप बताइएगा जो व्हेल मछली जो है, व्हेल फिश जो है, ये किस प्रकार की मछली है। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडियो में बैठे हुए दर्शकों, व्हेल मछली जो है वो स्तनधारी कहलाती है, और जेली फिश मछली जो है वो सीलेंट्रिया कहलाती है। आर्थ्रोपोडा की श्रेणी में क्रेफिश मछली आती है, और इंसेक्टा की श्रेणी में सिल्वर फिश आती है। मैं इसके साथ ये घोषणा करना चाहता हूँ कि मोलस्का मछली में कटल फिश आती है, और इकाई जोन मेर्टा में स्टार फिश आती है। मुझसे कोई ये ना पूछे कि क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन डेविल फिश जो है वो मोलस्का में आती है, और रेजर फिशों भी मोलस्का में आती है। बहुत अच्छा मोदी जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, आप देश के प्रधानमंत्री, आप बहुत अच्छा आंसर भी दे रहे हैं। इसके बाद कुछ वास्तविक मछलियों के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। एक हमारे स्टूडियो में बड़ी यूपी की बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिनके नाम से दुनिया थरथराती है, और कहने का मतलब है बहुत अच्छी हस्ती है, माननीय अखिलेश जी। मैं तो यही कहूँगा कि दुनिया में कुछ नहीं बुरा होता है, सिर्फ वास्तविकता दिखानी चाहिए, वास्तविकता से सिवा कुछ नहीं होता है। आप पूछ लीजिए, नेताजी जो बताएंगे वो हम बताएंगे, आप पूछ लीजिएगा। हम विकास करें, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, वास्तविक मछलियों के बारे में पूछना चाहते हो, चलो पूछ लीजिए। आप बताइएगा डॉग फिश जो है वो किस मछली, वास्तविक मछली इसका क्या है, वो डॉग फिश है, वास्तविक रूप से इसका क्या प्रतिरूप है। वास्तविक मछली स्कोलियोडॉन होती है। बहुत अच्छा अखिलेश जी आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। चलो नीलिमा जी आप क्वेश्चन अपने एक स्टूडेंट से पूछते हैं, आप बताइएगा विद्युत मीन कौन सी है, और अश्वमीन कौन सी है, और उड़ने वाली मीन कौन सी है। सर विद्युत मीन तो टारपीडो है, और अश्वमीन तो हिप्पोकैम्पस है, उड़न मीन तो एक्सोसीट्स है, और हम एक और एक्स्ट्रा बता रहे हैं, फुसफुस मीन जो है प्रोटो पेडेरस को कहा जाता है। बहुत अच्छा आप आंसर दे रही हैं। इसके साथ साथ आप ही बता दीजिएगा कि मच्छर मीन किसे कहते हैं, और वाद मीन किसे कहते हैं, और मूस मीन किसे कहते हैं, और ग्लोब मीन किसे कहते हैं, आप बताइएगा। बहुत अच्छा आंसर आप दे रही हैं। सर फुसफुस मीन तो हम बता चुके हैं प्रोटो पेडेरस को कहते हैं, और जो मच्छर मीन है वो गैम्बुसिया को कहते हैं, वाद मीन जो है वो स्टीगोस्टोमा को कहते हैं, और मूस मीन जो है वो काइमीरा को कहते हैं, ग्लोब मीन जो है वो ट्रेटाडॉन को कहते हैं। बहुत अच्छा मीनों का बहुत अच्छा से परिचय दिया। अब हम कुछ आप लोगों से, सभी लोग हमारी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे उसमें आए हैं, अब हम मानव शरीर के बारे में कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लें, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। अरे भाई इसमें बुरा मानने की कौन सी जगह, आप पूछेगा हमको पता होगा तो हम बता देंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। जाने आप पूछते चले जाओ। अरे राजकुमार जी आ गए, बहुत अच्छा, बैठी राजकुमार, नमस्ते राजकुमार। हम पहले भी नमस्कार करते थे, अब भी नमस्कार करते हैं, पूछिएगा जाने, हम तब भी बताएंगे और सारे आंसर बताएंगे। राजकुमार जी आपसे ही हम पहला सवाल करते हैं कि आप बताइएगा मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है।
अरे ये कोई हमारे लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है बेटा, फीमर जो जांग में पाई जाती है। बहुत अच्छा राजकुमार जी, बहुत अच्छा राजकुमार जी। नीलिमा बेटा बताइएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी ग्रंथ बताइएगा, सबसे छोटी हड्डी बताइएगा, सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी ग्रंथ बताइएगा। नीलिमा जी बताइएगा। सर सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिस होती है, सबसे बड़ी ग्रंथ तो यकृत होती है। बहुत अच्छा नीलिमा, बहुत अच्छा नीलिमा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसके साथ सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि आप हमें बताइएगा। ये आंसर तो सर नहीं आता है, हम बताइए। चलो हम तुमको बताते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि आप हमें बताइएगा, जब कभी मिले कमेंट कीजिएगा, अभी हम नहीं बताएंगे। चलो आगे देखिएगा, आगे है बड़ी अंता स्त्रीवी ग्रंथि के बारे में बताइएगा। राजेश जी आप बताइए, आप काफ़ी देर से मौन बैठे हैं। सबसे बड़ी अंता स्त्रीवी ग्रंथ जो है वो थायराइड है, और बड़ी कोशिका न्यूरॉन कहलाती है, और जो बड़ी धमनी है वो एब्डोमिनल एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा है बड़ी धमनी। अरे भाई इसका तो ज्ञान बड़ा अच्छा है भाई, ऐसे ज्ञानवान बेस्ट स्टूडियो में आए हम, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो दो क्वेश्चन बता देते हैं, बड़े अच्छा ज्ञान वाला है। चलो भाई और पूछिएगा। हाँ पूछेंगे, पूछेंगे, जरूर पूछेंगे अमिताभ बच्चन जी आपसे। ये अगला क्वेश्चन हम कह रहे हैं, सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, सबसे बड़ी मनुष्य की शिरा कौन सी है, बताइएगा, जल्दी बताइएगा। शिरा, शिरा, और भाई शिरा तो हमको नहीं पता, लेकिन हम इतना बताते हैं कि इन्फीरियर वेनकोना शायद सबसे बड़ी शिरा होती है, इन्फीरियर वेनाकोना। बहुत अच्छा आंसर आपका, बहुत अच्छा आंसर, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप लंबी तंत्रिका बताएंगे, लंबी तंत्रिका अखिलेश जी बताएंगे, और सबसे बड़ी पेशी भी अखिलेश जी बताएंगे। देख लीजिएगा, सबसे लंबी तंत्रिका सीआईटी होती है, और सबसे बड़ी पेशी जो होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमम होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। हमारे समाजवादी लोग कभी भी धोखा नहीं करते। तो हम किसका धोखा करेंगे भाई, चलिए। बहुत अच्छा आंसर दिया अखिलेश जी, आप बताइएगा सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है। बड़ी पेशी तो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, छोटी पेशी कौन सी होती है बताइएगा राजेश जी। छोटी पेशी स्टेपीडियस होती है, और बड़ा अंग जो होता है, सबसे बड़ा अंग अगर माना जाए तो त्वचा होता है, और सबसे छोटी पेशी जो है स्टेपीडियस होती है। और जो बड़ा श्वेत रक्त कण होता है वो मोनोसाइट होता है, और सबसे व्यस्त अंग जो है वो हृदय शरीर का है। ये कुछ हमें और भी जानकारी है। बहुत अच्छा राजेश जी, बहुत अच्छा राजेश जी, आप हमारा एक क्वेश्चन का चार चार आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी और भी ज्ञान बढ़ाते जा रहे हैं। नीलिमा जी बताइएगा, सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है। सर सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता तो शायद यकृत कोशिका में होती है, और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क कोशिका में होती है। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर आपका, बिल्कुल करेक्ट, एक भी आंसर आप गलत नहीं दे पा रही हैं। इसका हमें बड़ा गर्व है, बड़ा अभिमान है कि आप हमारे हमसे पढ़े हैं और हमारा आंसर सही दे रहे हैं। चलो नीलिमा जी दो क्वेश्चन और बताइएगा, सबसे पतली त्वचा कौन सी किसकी होती है, और आरबीसी की आयु कितनी होती है, सही से बताइएगा। मनुष्य की पतली त्वचा कौन सी होती है, और आरबीसी की आयु बताइए, आयु बताइए। सर पतली त्वचा तो कंचन टीला की होती है, टीवा की होती है, और आरबीसी की आयु तो 120 दिन होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नीलिमा जी, आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम अमिताभ बच्चन से करेंगे कि रक्त आयतन पूरे शरीर का कितना होता है। और भाई ऐसा क्वेश्चन करोगे तो कैसे बता पाऊंगा, रक्त आयतन पूरे शरीर का शायद हमारे अनुमान से 5-6 लीटर होता होगा, और क्या। बहुत सही आंसर आपने दिया, बहुत सही आंसर दिया, 5-6 लीटर ही होता है। सामान्य रक्तचाप बॉडी में कितना होता है ये हम पूछेंगे अखिलेश जी से, और मोदी जी से पूछेंगे कि आरबीसी में पुरुषों की संख्या क्या है, आरबीसी में महिलाओं की संख्या क्या है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, और एज कितनी होती है डब्ल्यूबीसी, बताइएगा नरेंद्र मोदी जी। मेरे स्टेडियम बैठे भाई बहनों, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा, हम पर एक साथ चार चार सवाल दागे गए, लेकिन घबराता नहीं हूं मैं। रक्त आयतन 5-6 लीटर होता है, सामान्य तब बॉडी में 120 से 80 मिलीमीटर प्रति के एचजी होता है, आरबीसी पुरुषों में 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक होती है, आरबीसी महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन होती है, डब्ल्यूबीसी 5,000 से 10,000 क्यूबिक
ईएमएम होती है और इनकी उम्र 2 दिन से 5 दिनों तक की होती है। कोई हमने गलत तो नहीं कहा? नहीं सर, आप कैसे गलत कह सकते हैं, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन राजेश से हम पूछते हैं कि बैसोफिल्स जो बॉडी में होते हैं कितने दिन उनकी एज होती है, इसनोफिल्स कितने होते हैं, मोनोसाइट्स प्रतिशतता कितनी होती है और न्यूट्रोफिल्स कितने शरीर में होते हैं। बैसोफिल्स जो होते हैं बॉडी में वो 0.5 से 1.0% होने चाहिए, इसनोफिल्स जो बॉडी में है वो 1.3% होने चाहिए, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो उसी को इसनोफिलिया रोग हो जाता है, मतलब एलर्जी टाइप का। और मानोसाइटस की प्रतिशतता जो है वो 3 से 8% होनी चाहिए, और न्यूट्रोफिल्स जो शरीर में है वो 40 से 70% होनी चाहिए। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर आपका आया। अगला क्वेश्चन हम नीलिमा से करना चाहेंगे कि लिम्फोसाइटस की प्रतिशतता शरीर में कितनी होती है। सर, लिम्फोसाइटस की प्रतिशतता शरीर में 20 से 25% होती होगी, और रक्त प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 4 लाख होती है, 2 से 4 लाख क्यूबिक एमएम। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। हमने एक पूछा, आपने दो बताया। चलो एक क्वेश्चन और आप ही से 2-4 पूछ लेते हैं। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है। सर, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता 14 से 16 ग्राम प्रति क्यूबिक होती है, और महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता होती है वो 12 से 14 ग्राम प्रति 100 सीसी मतलब क्यूबिक रक्त पे होती है। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। अगला आंसर हम पूछेंगे कि रक्त समूह का बंटवारा किसने किया था। रक्त समूह का बंटवारा जो है वो लैंडस्टीनर ने किया था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया था सर्वदाता किसको कहते हैं और सर्वग्राही किसको कहते हैं, और शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, श्वास दर बॉडी में कितनी होती है, बताइएगा राजेश। देखो, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण बताया, और जो लैंड स्टीनर जो थे उन्होंने रक्त समूह का बंटवारा किया। इन्होंने ओ को सर्वदाता रक्त समूह बताया था और ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह बताया था। मनुष्य का तापमान सामान्य तौर पे 98.5 फारेनहाइट होना चाहिए, और श्वसन दर जो बॉडी में होती है वो 16 से 20 बार होती है, और वयस्क मनुष्य के दांत जो हैं वो 32 होते हैं और बच्चों में 20 होते हैं, और 1400 ग्राम का मस्तिष्क होता है, और 11 जोड़ी शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं, और स्पाइनल तंत्रिका 31 जोड़ी होती हैं, और हृदय की दर जो है धड़कने की 72 से 75 प्रति मिनट होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। आपने एक सवाल हमने पूछा, आपने पूरा हृदय का वर्णन कर दिया। लास्ट तो कुछ सवाल हम जो है अमिताभ बच्चन से पूछना चाहेंगे, नाड़ी दर, ये तो हृदय की दर 72 से 75 हो गई, नाड़ी दर कितनी होती है, और गैस्ट्रिक जूस शरीर में का पीएच कितना होता है, शरीर में मूत्र का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, पैक्रियाटिक जूस का पीएच मान कितना होता है, जल हिस्सा कितना शरीर में होता है, और कितनी हड्डियाँ होती हैं और कितनी पेशियाँ होती हैं। अरे भाई, इतना कैसे पूछ दिया आपने, चलो फिर भी बता रहे हैं। 1400 ग्राम इन्होंने मस्तिष्क बताया, 11 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं बताई, स्पाइनल तंत्रिका 31 जोड़ी होती हैं, हृदय दर 72 से 75 होती है, तो नाड़ी दर भी 72 प्रति मिनट कर लो, गैस्ट्रिक जूस का है पीएच मान 1.4 कर लो, मूत्र का पीएच मान 6.0 कर लो, रक्त का पीएच मान 7.4 कर लो, पैरेक्रियाटिक जूस का पीएच मान 8.5 कर लो, और जल का हिस्सा 65% शरीर में तो होता ही है, 206 हड्डी होती हैं कुल, और 639 पेशी होती हैं। अब भाई ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, हम फिल्म पे शूटिंग बजा रहे हैं। आप लोग हमारे स्टूडियो में सभी लोग आए, बड़ा बड़ा आंसर दिया, एक भी गलत नहीं बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।